Good morning, students. Welcome to our today's class. Today we are going to start our new chapter and a new topic, that is charts in Excel. In the last period, we have seen that what is the Excel? What is the Excel? Excel is a spreadsheet. What is Excel? Excel is a spreadsheet where you can represent your data in the form of the column and rows. Okay. So now, here we are going to see the new concept in the Excel, that is what the charts. What is meant by charts? Till now we have seen, what we have seen till now? Excel is a worksheet. Worksheet means where we can feed the data in a form of columns and rows. Okay. It's a powerful software. It's a powerful spreadsheet which gives us many facilities to do our calculations easy. For example, many formulas are there. We can do the validation, data validation. We can do the filtering. We can do the conditional filtering, sorting, and many more things we can do in the Excel. Sometimes what happens? No, sometimes our data is very large and it becomes very difficult to analyze and compare that data. So at that time, what we do? We use charts. So here are some types of the charts. The number one is column. Okay, that means you can show your data in the column form. Then another one is the line. Okay, so you can show your data in the line form. Then here are some more. You can show your data in the pie also. Pie means ek aisa circle rahega aur usme aap kya karoge, 360 ka circle karne ke baad aap wahan pe उसके एप्रोप्रिएट क्या करोगे, जो भी आपका डेटा रहेगा उसके एप्रोप्रिएट उसको डिवाइड कर लोगे. ओके, देन बार ग्राफ, देन एरिया एंड देन स्कैटर्ड. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी के आपको क्या दिए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए हुए हैं. ओके, सो आप ये सब शॉर्ट फॉर्म्स जो है लर्न कर लेना. ओके, सो लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट्स. सो ये है आपका चार्ट. चार्ट मीन्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा. अगर आप अपने डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चार्ट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या है. तो ये जो ऐसी एक आपको आउटर लाइन दिख रही है, एक्चुअली ये जो चार्ट होता है एक बॉक्स में आपको दिखेगा. तो ये जो आउटर लाइन दिख रही है ये क्या है, ये चार्ट एरिया है. इसको क्या कहेंगे, चार्ट एरिया. मतलब आपका पूरा चार्ट इस एरिया में आएगा. देन आता है यहाँ पे चार्ट टाइटल. आपके चार्ट का टाइटल क्या है, तो आप देख सकते हो आपके चार्ट का टाइटल मीन्स आप अपने चार्ट को जो भी नाम दिए हो वो यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रही है आड़ी और खड़ी लाइनें, इसको कहते हैं ग्रिड लाइन. ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, आप जब ग्राफ निकालते हो तो वहाँ पे आपको दिखती है ना आड़ी खड़ी लाइंस, तो उसको कहेंगे ग्रिड लाइंस. देन ये जो लंबी वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये आड़ी वाली जो होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सिस को हमने क्या किया है, टाइटल्स दिए. तो इन जैसे कि वाई एक्सिस पे आपने कौन सा डेटा फिट किया है, यहाँ पे आपने जो भी डेटा फिट किया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स फिगर करके दिया हुआ है. ठीक है, मतलब हमने वाई एक्सिस पे सेल्स फिगर रिप्रेजेंट किया है, और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, ग्रेन्स किया है. मतलब कौन सा ग्रेन कितने कितने अमाउंट में या जो भी है कितने अमाउंट में सेल हुआ है उसका ये फिगर है. तो इनको हम कहेंगे एक्सिस का टाइटल. सो इसको एक्सिस टाइटल कहेंगे. ये यहाँ पे जो दिखाया गया है इनको हम कहेंगे डेटा लेबल. इसके थ्रू हमने अपने डेटा को शो करने की कोशिश की है. देन आप देख सकते हो दिस इज़ द लेजेंड. लेजेंड का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे इंडेक्स बनाया है और आपने यहाँ पे शो किया है कि भाई आपने जो भी रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, सो क्या कौन सी चीज़ क्या इंडिकेट करती है. जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लू और रेड जो भी है हमारे बार्स के थ्रू यहाँ पे हमारा डेटा शो किया है. तो यहाँ पे रेड डेटा, रेड वाला जो बार है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है जनवरी का, सॉरी फेब्रुवरी का सेल. और ये जो आपका ब्लू है ये शो कर रहा है जनवरी का सेल. तो इस तरीके से जो रहता है हमारे डेटा लेबल, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेजेंड.
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा मार्कर, डेटा मार्कर बोले तो आपने डेटा किससे शो किया है, बार से, मतलब वो डेटा को मार्क कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डेटा मार्कर, और जो डेटा यहाँ पे लिखा है उसको कहेंगे डेटा का लेबल्स, मतलब डेटा को हमने लेबलिंग किया है, कुछ नाम दिया। लेबल का मतलब क्या होता है, कुछ नाम देना, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द योर चार्ट। Now you have a better idea about the components of the chart, so take a short look. Okay, so what is the chart area? You know that where we were upload the chart, it's known as the chart area. Data makers, markers means by which you have shown your data is called as a data marker. For example, have you shown your data by the line graph or bar graph or anything else? Data series means it's a group of data represented in the chart. आपने चार्ट में जो भी डेटा को रिप्रेजेंट किया है उस ग्रुप को हम कहते हैं डेटा सीरीज। एक्सेस, एक्सेस आर द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। नाउ यू हैव द बेटर आइडिया अबाउट इट। एक्स एक्सेस इज द वर्टिकल, एक्स एक्सेस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड द वाई एक्सेस इज द वर्टिकल एक्सेस। ऑन बोथ द एक्सेस वी शो द पैरामीटर्स। ओके, देन चार्ट टाइटल। नाउ व्हाट इज द चार्ट टाइटल? द नेम गिवन टू योर चार्ट इज कॉल्ड एज अ चार्ट टाइटल। देन एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल मीन्स आपने एक्सेस के ऊपर जो भी रिप्रेजेंट किया होगा, जैसे कि ग्रेन्स किया होगा आपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने सेल्स को रिप्रेजेंट किया होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस के टाइटल। देन प्लॉट एरिया मीन्स जहाँ पे आपका डेटा प्लॉट हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये एक्सिस का क्या है। Now this is the axis के टाइटल से, ये grains और यहाँ पे जो भी हमने cells और यहाँ पे cell figure जो लिखा है, और ये देखिए ये जो जितना भी area है इसको हमने कहा है plot area, और ये जो पूरा box हमने देखा है इसको कहा है हमने chart area। Then what is the meaning of grid lines? Grid lines means the vertical and horizontal lines जो भी graph के ऊपर दिखती है, that is called as a grid lines। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अपना एक्सेल शीट ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक्सेल टेबल बना लिया है, ओके। और ये जो भी हमने डेटा यहाँ पे फिट किया है इसको हम अब क्या करेंगे, चार्ट्स के फॉर्मेट में शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक्सेल ओपन करके उसमें इस तरीके का डेटा फिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया हमने। फिर इस एरो पे जाएंगे, फिर इंसर्ट को क्लिक करेंगे। देखिए इंसर्ट में आपको क्या दिखाया है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है, जैसे कि हमें चाहिए अभी चार्ट्स, तो हमने चार्ट्स को क्लिक किया। चार्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, कॉलम, लाइन, पाए वगैरह, इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉलम्स को ऐड किया। आप कॉलम्स में देखिए, मुझे यहाँ पे भी काफ़ी सारे टाइप्स दिखा रहे हैं, किस टाइप के कॉलम्स में आपको अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है आपने चूज़ करना है, कर लिया चूज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट का टाइटल क्या है, हमारा आया नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा चार्ट का टाइटल है उसको क्या करेंगे, उसको हमने किया कॉपी। देन यहाँ पे गए और इस चार्ट को हमने क्या किया है, चार्ट को डबल क्लिक कर दिया है। अब हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है इसका टाइटल, और अब देख सकते हैं आप कि आपने जो भी, अब इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो देखिए आप देख सक रहे हैं आपका जो डेटा है इस तरीके से चार्ट में दिखाई दे रहा है। आपके ये जो भी यहाँ पे हमने चार्ट अपीयर किया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो राइस का जो है हमने दिखाया है यहाँ पे कितना है, जनवरी और फरवरी का जो भी यहाँ पे जनवरी हमने ब्लू कलर से दिखाया है, फरवरी हमने रेड कलर से दिखाया है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जनवरी का कितना है और फरवरी का कितना सेलिंग है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर। तो ये हो गया चार्ट क्रिएशन। सेम डेटा को अलग अलग बार्स में भी दिखा सकते हो, जैसे कि मुझे अभी ये बार ग्राफ में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और इसको क्या करूँगी, मैं अभी डिलीट कर दूँगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया है मैंने, इसको डिलीट कर दिया है। आपको यही सेम डेटा किसी और फॉर्मेट में दिखाना है, फिर से जाइए
टैब पे, फिर इंसर्ट में, फिर इंसर्ट में से आप चार्ट्स में चाहिए, अब मैंने पाई डायग्राम में दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से चाहिए, ओके। सी मेरा सेम डेटा जो है अभी पाई में आ गया है, आप इस तरीके से डेटा शो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना सेम डेटा अलग अलग टाइप्स में शो कर सकते हो।